नमस्कार, देश टीवी के प्रतिदिन समाचार में मैं हूं आपके साथ लीना। बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं खबरों की सुर्खियां। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ चलाएगा खेत चलो अभियान, पार्टी कार्यकर्ता खेतों में पहुंचकर करेंगे किसानी। विकास उपाध्याय ने की जनसंपर्क यात्रा, लोगों ने कहा नहीं आता है साफ पानी। NHMMI नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने शुरू किया स्ट्रोक रेडी अभियान, आम जनता को जागरूक करेंगे अब डॉक्टर। और 33 कैटेगरी में अवार्ड से नवाजे गए कलाकार, हॉलीवुड सितारों ने बिखेरा जलवा। अब खबरें विस्तार से। अब अजीत जोगी की पार्टी खेत चलो अभियान चलाएगी। 23 और 29 जुलाई तक इस अभियान के अंतर्गत पार्टी के कार्यकर्ता खेत तक पहुंचेंगे, जहां वे किसानों से मिलकर उनका हालचाल जानेंगे, साथ ही खेती किसानी की में उनका हाथ भी बटाएंगे। जोगी जनता कांग्रेस 23 जुलाई से खेत चलो अभियान चलाएगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी के सभी कार्यकर्ता खेतों में जाकर जहाँ किसानों को चुनाव चिन्ह वाला सामान भेंट करेंगे, साथ ही उनके साथ खेतों में काम भी करेंगे। इस दौरान वे किसानों को आ रही दिक्कतों को जानकर उनके निदान का प्रयास भी करेंगे। अजीत जोगी की माने तो वे सभी प्रकार का काम करने वाले आम जनता से मिल रहे हैं, ऐसे में अब किसानों के साथ किसानी कर उनका हालचाल भी जानेंगे। खेत चलो अभियान के नाम से 23 जुलाई से 29 जुलाई तक का जो सप्ताह है वो खेल चलो अभियान के नाम से हमारी पार्टी द्वारा मनाया जाएगा। इस अभियान में हमारी पार्टी के जितने सदस्य हैं, लगभग 3 लाख सदस्य, वे सब किसी न किसी खेत में जाएंगे और खेत में जो भी काम हो रहा है, व्यासी हो रही है या अन्य कोई काम हो रहा है निराई गुड़ाई, उसमें हाथ बढ़ाएंगे। जहां अजीत जोगी मुजगहन गांव से करेंगे, वहीं अमित जोगी बिलासपुर, ऋचा जोगी राजनांदगांव, देवव्रत सिंह कवर्धा, द्वारिका साहू दुर्ग, धर्मजीत सिंह बेमेतरा और सियाराम कौशिक जांजगीर में किसानों के साथ काम करेंगे। 29 जुलाई को इसका समापन होगा। समापन के दिन हरेली का त्योहार है, ऐसे में पार्टी उस दिन हल की पूजा भी करेगी, जिसे पार्टी ने सभी गांवों में मनाने का कार्यक्रम रखा है। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस गणेश के साथ निमेश अवस्थी की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया को दल बदलो कहा है, साथ ही उन पर कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने कहा कि खुद आईएएस अधिकारी रहकर दूसरे आईएएस अधिकारी को कोसना उन्हें शोभा नहीं देता। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि पुनिया की इतनी बड़ी जिम्मेदारी को देख अजीत जोगी विचलित हो गए हैं। पहले करीबी माने जाने वाले अजीत जोगी और पीएल पुनिया अब एक दूसरे के बागी हो गए हैं। ऐसे में दोनों के बीच जोगी के द्वारा पार्टी छोड़ने के बाद मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। अब जाकर अजीत जोगी ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया को दल बदलू कहा है। जोगी का कहना है कि पुनिया एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने यूपी में सभी पार्टियों को ज्वाइन कर छोड़ दिया और अब कांग्रेसी ने उन्हें प्रदेश की कमान सौंपी है। समय रहते ऐसा न हो कि चुनाव के वक्त वे इसे भी छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले। देखिए, बेकार की बातें, आधारहीन बातें बेकार के व्यक्ति के द्वारा कही जाए, ऐसे इंसान द्वारा कही जाए जो 2.5 लाख वोट से हारा हो और यहाँ जिताने चला आया, ऐसा व्यक्ति जो कोई पार्टी यूपी में नहीं छोड़ा, बसपा में रहे, सपा में रहे, अब कांग्रेस में है, ऐसे व्यक्ति की टिप्पणी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। और वैसे भी आप लोग जानते हैं मेरी आदत, मैं इस तरह की बेकार और आधारहीन और तथ्यहीन बातों पर कोई।
अजीत जोगी ने पुनिया को तो दलबदलू कहने समेत कई संगीन आरोप लगाए। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस का कहना है कि एक आईएएस अधिकारी रहे अजीत जोगी को दूसरे आईएएस रहे पीएल पुनिया पर टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। उन्होंने यह भी कहा कि पुनिया अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे में पुनिया को लेकर देशवासियों में अलग ही आदर सम्मान है। ऐसे में अजीत जोगी विचलित हो गए हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया के द्वारा काम संभालने के बाद लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा किया जा रहा है। पुनिया जी बूथ स्तर पर जा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। पीएल पुनिया जी अनुसूचित जाति आयोग के दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, आईएएस अधिकारी हैं, अनुसूचित जाति के बीच में और समाज के हर वर्ग के बीच में पुनिया जी के प्रति गहरा सम्मान है। हो सकता है इससे वे विचलित होकर ऐसी बात कह रहे हैं। अजीत जोगी द्वारा पुनिया पर दिए गए बयान की कांग्रेस ने निंदा की है, साथ ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। अब इस मामले में आगे भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। फिलहाल दो महीने तक बीमारी से रोकथाम मिलने के बाद जोगी दिल्ली से रायपुर पहुंचे हैं और आते ही हुंकार भरते हुए अन्य राजनीतिक पार्टियों को घेरना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि अजीत जोगी सरकार और अन्य विपक्षी पार्टियों को घेरने और कितने हथकंडे अपनाती है। कैमरामैन एस गणेश के साथ निमेश। शनिवार को रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में विकास उपाध्याय ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने नगर में लगातार आ रहे गंदे पानी की समस्या का घर घर जाकर लोगों से जायजा भी लिया। राजधानी के दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में हमेशा ही गंदे पानी की समस्या बनी रहती है। इससे पहले भी कई वार्ड में गंदे पानी की वजह से पीलिया की बीमारी से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के चलते शनिवार को विकास उपाध्याय ने दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में जाकर जनसंपर्क बैठक लेकर लोगों से राय ली और लोगों के घरों में जाकर पानी की समस्या की जानकारी भी ली। लोगों का कहना है कि बरसात के बाद से पानी और भी ज़्यादा गंदा आने लगता है। बिना पानी को छाने या फिल्टर किए बिना उसे पीने से उल्टी, दस्त और पीलिया जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। जनसंपर्क यात्रा के दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रखा, फिर चाहे पानी की समस्या हो या गंदगी की। यात्रा के दौरान विकास उपाध्याय ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय वार्ड को राजधानी का सबसे सुंदर वार्ड बताया गया है, जबकि स्थिति ये है कि यहाँ के लोगों को पीने का पानी भी साफ नहीं मिलता। गंदे पानी पीने की वजह से पीलिया में लोगों पीलिया हुआ, जॉइंटिस हुआ और जॉइंटिस से लोगों की जान गई। अभी भी लगातार यहाँ गंदा इस प्रकार का मटमैला पानी जो लोग पीने का उपयोग करते हैं, जिनके घर में आरओ लगा है, जो आरओ लगा सकते हैं वो बेचारे आरओ साफ करके, उनकी आरओ मशीन भी खराब हो रही है और गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास परिवार का आदमी तो इस पानी को पी नहीं सकता, इसलिए पानी मोल लेकर पी रहा है। रायपुर राजधानी में अगर पानी की ये स्थिति है, जहाँ आप स्मार्ट सिटी के नाम पर, मोर रायपुर के नाम पर अरबों रुपया आप खर्चा करते हैं, अरबों रुपया खर्चा हो रहा है, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं आदमी को पीने की, पानी चाहिए, साफ सफाई चाहिए, वो भी जिला प्रशासन या राज्य सरकार दे नहीं पा रहा है। इस वार्ड में पानी की स्थिति इतनी खराब है कि फिल्टर मशीन तक खराब हो जाते हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव से पहले विकास उपाध्याय की जनसंपर्क यात्रा लाभदायक साबित होती नजर आ रही है। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में इसका क्या नतीजा सामने आता है। देश टीवी के लिए कुलभूषण सिंह की रिपोर्ट। राजधानी के समता कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर मार्ग की 40 साल पुरानी सड़क को योगेश अग्रवाल द्वारा निजी संपत्ति बताकर सड़क तोड़कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। इसके विरोध में नगरवासियों ने शनिवार को योगेश अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत कर दी है। समता कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर मार्ग कुछ सालों से विवादों के घेरे में है। साल 2015 में फिल्म निर्माता योगेश अग्रवाल द्वारा सड़क के बीचों बीच अपनी संपत्ति होने का दावा किया था, जिसे कोर्ट ने 2018 में मंजूर कर लिया। इसी मंजूरी के सहारे योगेश अग्रवाल ने समता कॉलोनी के मुख्य सड़क को खोदकर अवैध रूप से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है और लोगों के आने जाने के लिए महज 5 फीट सड़क छोड़ दी है। इसी के चलते नगरवासियों ने योगेश अग्रवाल के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत कर दी है। नगरवासियों का कहना है कि योगेश अग्रवाल मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के भाई हैं, इसलिए वो अपने पोजीशन का फायदा उठाते हुए उन्होंने यहाँ निर्माण शुरू कर दिया है।
40 सालों से मतलब कि 4 दशकों से इस जमीन का इस्तेमाल एक सड़क के रूप में हो रहा था, लेआउट में भी जो है सड़क ही है। उसके बाद अचानक 2015 में प्रदेश के कद्दावर मंत्री का दबंग भाई जमीन की रजिस्ट्री करवा लेता है और इस रविवार को सड़क को खोद कर जो है अचानक कॉलोनी वासी सहित पूरे लोग हतप्रत रह जाते हैं, निर्माण कार्य चालू हो जाता है। मंदिर मार्ग की सड़क जो है बंद कर दी जाती है। अगर आपको मैं बताऊंगा कि यह वही रायपुर है जहाँ पे तात्या पारा हो या तेली बांधा हो, सड़क चौड़ीकरण के नाम से घर हटा दिए जाते हैं, दुकानें तोड़ दी जाती है। परंतु विश्व में यह पहला मामला है जहाँ पे महल बनाने के लिए जो है सड़क पे कब्जा कर लिया गया है, वह भी रजिस्ट्री करवा के। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। रहवासियों को जो तकलीफ हो रही है उसका उसके लिए इस कब्जे को हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आंदोलन अंतिम समय तक करेंगे। राधा कृष्ण मंदिर मार्ग 40 साल पुराना है। नगर वासियों का कहना है आखिर इतने सालों तक प्रशासन कहाँ थी। सड़क को तोड़ने की वजह से लोगों को काफी समस्या हो रही है, साथ ही खासा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाती है। देश टीवी के लिए कुलभूषण सिंह की रिपोर्ट।